अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की आ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई चरखी दादरी थाना में मौजूद हाँ, ये महिला हमारे साथ मौजूद है। सुबह से कॉल कर लाग रही थी, मी बरसदा मामने निबेरा, समस्या की है इनसे पूछेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, मैंने 4-5 दरखास्त दे दी, मेरी कोई सुनाई नहीं मन लग रही है। किस बात की दरखास्त दे दी? दरखास्त मैंने इस बात पर जी, पहले तो जी मैंने ये मतलब हमारी शादी हुई घर ने लेके बह के 5-6 महीने काम में रखी इन्हने। घर में रखने का बाद में बुढ़ी न्यू कर लगी, तू धन की ये वो है, तू मेरे बेटा की उम्र की नहीं है, मेरा बेटा छोटी उम्र का है, तूने मेरे बेटा को फंसा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहती मम्मी तू खुद देख के ले आ रही है, मैं जबरदस्ती नहीं आई, खुद देख के ले के आ रही है। मैंने 7 आदमी देखने खातर गए थे मेरे तय, सारे मेरे तो 50-50 रुपये दे के आए थे, थर पसंद आई तब तम ना करे तो मैं धक्का तो नहीं आई। कितनी उम्र आपकी? मेरी 32 साल है। और आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की है 24-25 साल होगी, इससे ज्यादा ही पाएगा। ये मामला क्या है दरअसल, थोड़ा सा मामला समझाओ। थोड़ा सा मामला ये भैया, मेरी पहले शादी हुई थी, मैं अकेले रह रही थी, वो ये बोला मेरा फोन ठीक हो, फोन खराब हो गया था और मैं फोन ठीक कराने खातर उनकी दुकान में गई थी, मेरे को तब तक कोई जानकारी नहीं थी उनके बारे में। शादी हो रही थी आपकी? हाँ जी। तो वहाँ क्यों नहीं रहे? वहाँ पे जी वो ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा मारता था और बहुत बदतमीजी करता था। फिर तलाक हो गया था? हाँ, उससे तलाक हो गया था। बच्चे वहाँ? हाँ जी। कितने बच्चे वहाँ? एक बच्चा है। तो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो वहाँ से? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। पहले कहाँ शादी हो रखी थी? पहले लुआरू गांव में। अच्छा, तो अब फिर यहाँ कितने दिन से हो आप? यहाँ मैं 10 महीने से रह रही हूँ दादरी के अंदर। तो और मेरा शादी कितने दिन पहले हुई थी? यहाँ पे 9 महीना पहले। कौन से गांव में? सवास गांव में। सवास गांव में? सवास गांव में। हाँ जी। तो ये इनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? इनसे मुलाकात है, फोन खराब हो रहा था तो ऐसे मैं मार्केट में पूछती चले गई, तो मैंने कहा भैया फ़ोन ठीक कर दोगे? ये बोले मैं कर दूंगा फ़ोन ठीक। मैंने कही कितना पैसे लोगे? बोले मैं 1800। मैंने बोली भाई मैं गरीब लोग आई हूँ, दे बर्तन बांडे मांझूँ, मेरे दो 1800 रुपया को नहीं, मैं तन 1300 रुपया दे दूंगी, ना तेरे ना मेरे और किसी में कमा ली भाई कर दे। तो इसकी मेरी कई देर जिद्दी जादी लगी रही, फिर मैं दुकान में से बाहर आ गई, फिर इसने मेरे तो वहाँ दे दी, फिर यूँ नहीं बोलो आज जी मैं आपको फ़ोन ठीक कर दूँगा, मैंने इस तो फ़ोन दे दियो। फिर मैंने बोली जी मैंने फ़ोन चाहिए, मेरे पापा है बुड्ढो, मेरा मम्मी है नहीं और नहीं मेरा भाई है और नहीं मेरा भाभी, ये गुजर रही हैं, एक पापा है और दो भतीजे छोटे छोटे, और मुको मना फ़ोन चालू रखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या काम करा, आपको पापा फ़ोन दे दी, उसमें मेरी सिम गाल दी, मेरा फ़ोन चालू कर दियो। शाम का इस टाइम पर इन्होंने फ़ोन करे मेरे द्वारा, बोलो जी आपको फ़ोन ठीक हो गया कि देगे जानो। हाँ मनी बोल जी ये किलो नहीं तो मैं जान दी नहीं, लेकिन ये गोदाम गुदूम कड़सी के बताऊँ हैं अड़ रहा हूँ। अपना अपना एड्रेस बता दिया सोगा तोड़ियो? हाँ जी। वो वहाँ पर आ गया? वो वहाँ पे आ गया, फोन दिया है, फोन दिया है। फिर नहीं बोले जी नंबर तो इसने ले लिए थे मेरे दुकान में ही, नंबर तो मैंने दे दिए थे इस तरह। फिर यू नहीं बोले जी घर नहीं मेरे था, मैंने बोले आज जी चाह पानी पी लो, चाह पानी पी के चली जी, मेरा तो ऐसी कोई मन में कौन थी भाई हमारी कोई बातचीत हो उसका है। नहीं बोले जी आप मेरे तो फ्रेंडशिप कर लो, मैंने बोले दे मैं शादी शुदा मेरे एक बच्चों और भाई मैं तेरे उम्र की को नहीं, कोई अपनी उम्र की देख उस तो ब्याह करवा ले। अरे देख भाई इन बातों की मैं कौन, तू मेरे तो बहुत छोटो है, कल ना लोग तने नहीं भी कहेंगे या तेरी दादी की उम्र की, तेरी माँ की उम्र की, तेरी बुआ की उम्र की, ये सौ डाल की दुनिया है ये भाई मेरे तो नहीं उठेंगे। जब यही बात उठती तो देख मैं भाई अपना जिस डाल में थी उस डाल में पाछे रह जाती, लेकिन भाई पीछे मैंने बहुत ज़्यादा परेशान करी इसलिए मैंने पीछे बड़ा घर छोड़ दिया है। नहीं कोई ऐसी नौबत कौन थी, वो भाई जैसी भी थी उसी ठीक थी मैं, लेकिन तू मेरे चक्कर में मत पड़ाइयो भाई साहब, के काम करे रोज मेरे दौरान लग गयो, इसने मेरे से लगाओ लग गयो, मकान मालिक जो मैं जिसका कमरा पर रही हूँ वह कैस कहें, यो मेरे दो तीन तीन चार चार आदमी लेके जाया करतो। आप बुलाया करती जब आया करता, ये ना कहो ये ऐसे इल्जाम ना लगाओ, आप बुलाया करती ऐसे किसी की आंख ना दुखती किसी का ना देखा। मेरी बात सुनो भैया मैं सफाई नहीं दूंगी, आप इस बात ना क्लियर कर लियो, गलत कर रही हो तो भैया बता दो, आप इस बात ना मेहरबानी घूमे है, कोई किसी के पीछे नहीं घूमता, कोई किसी के पीछे नहीं घूमता, बिल्कुल सबूत दूसरी किसी की औरत का ना देखते ना आंख दुखे, बात आगे बताओ आप। चलो कोई बात नहीं, आप ना मान ली ठीक है, लेकिन मैं आपको इस बात के सबूत दे दूंगी भैया, मेरे दौरा आया कर दो, मैं इसका दौरा जाया कर दी, मैं इसका दौरा तो धमकनते, मैं इसका दौरा फोन कराया कर दूं। आओ भाई यो मेरे दौरान लगे मेरी बातचीत तो लगी इस तरह,
भाई यूनि बोले आप ब्याह करवा लिया। मैंने बोले देख तेरा घर का तो पूछ ली, इसका दौरा मेरा फोन है, उस फोन में मेरी रिकॉर्डिंग पास का है, आप चेक भी करवा सको वो फोन, जय मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, उस फोन में आप चेक करवा सको। इससे पहले रिलेशन थे आप लोगों के? हाँ जी, शादी से पहले आप लोग में रिलेशन हो गए थे? हाँ जी। ठीक है, आगे बताओ। तो तब नहीं थी क्या अपना है, शादी से पहले आपने रिलेशन बनाए, तब के जा रहे थे शादी नहीं करता? दोनों के रजामंदी थी ना? नहीं शादी नहीं करता तो भी आप रिपोर्ट देती हंड थी ये मेरे साथ ये नहीं, कर नहीं, नहीं, नहीं ये तो दोनों की रजामंदी थी ना। मैंने इसको ये बात कही भाई पहले अपना घरवाला को पूछो भाई मेरे से शादी कराना चाहो या नहीं, इन्हें कहे मैं घरवाला को मना लूंगा, इन्हें घरवाला को मना लिया, सारे घरवाले राजी हो गए, ब्याह के मतलब ले गए मेरे तय। कहाँ हुई शादी? सवास गांव में। अच्छा, ये मेरे तय ब्याह के लेके गए, सफेद गाड़ी लेके आए, पांच आदमी आए हैं, सात आदमी मेरे को पारिक में देख के गए, सात आदमी मेरे को 100-100 रुपया 50-50 रुपया दे के गए हैं, पसंद करके गए हैं, जो भी मेरे बारे में जानकारी थी इन मना सारी दी ही ली ही ने, जाति पूछी है, दानक हूँ, दानक जाति है मेरी, मैंने इनते बताई है। वो किस जाति के हैं? वो जाट है। मैंने यह बताई मैं जाति दानक की हूँ, मेरे एक बच्चों है, मैंने ऑपरेशन करवा भी रखे हो, खुला भी रखे है, तेरे बेटा था मेरी बातचीत हो लगी उसके बाद मैंने ऑपरेशन खुलाया है, और भाई बालक होने ना होने यह भगवान का तो मेरा आत्मा नहीं है। इन्होंने कही चल ठीक है, इनने सारी बात मंजूर कर ली थी, जिस कमरा पर मेरे तो ब्याह के ले गए हैं भाई विकास कहे भाई ये मेरे तो देखने खातर आए थे, मेरे तो लेके गए हैं, सारी बात राजी सलाह हुई है। तो आप गाँव में हुई का हो? दादरी से ब्याह के लेके गए। आपने पहले कहा था गांव में सौवास से हुई थी? सौवास गांव में मेरी शादी हुई है, मतलब मैं यहाँ से सौवास गांव में ब्याह के ले गए, मेरे को दादरी से सौवास गांव में ले गए। अच्छा, दादरी में तो आपके परिवार वाले थे शादी के टाइम पे? मेरे पापा है, मेरे पापा का आ नहीं सकता, उनका हार्ट अटैक की बीमारी है, सांस की बीमारी। कोई नहीं था आपकी साइड से? हाँ, मेरी साइड से कोई नहीं था, तो मैंने इनको ये कहा भाई मेरे घर वालों को बुलाऊं मैं, तो इन्होंने कहा भाई तेरा पापा बुलाओगी तो तुम्हारी कास्ट का बारे में पता चल जाएगा, दानकी है तो यह हमारी बहुत बदनामी होगी, अरे यह बात हम यहाँ छुपा लेंगे भैया, दानकी नहीं हम और कास्ट की बता देंगे। मैंने यह बात कही मैं है ना कास्ट नहीं छुपाऊंगी, मेरी चाहे कुछ भी हो जाए तो मैंने दे भाई ब्याह के ले जाओ तो अच्छी बात है, नहीं ब्याह के ले जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मेरी कास्ट नहीं छुपाऊंगी, कल ना किसी का गाओगी तो मैं झूठी फाटूंगी, ये बात मैं नहीं चाहती। वहाँ जाकर आपने सबको बता दिया भाई मैं इस कास्ट से हूँ? हाँ बिल्कुल, कास्ट वास्ट तो कर कोई बात नहीं होती, जब आप ये मुद्दा मेरी सासू उठाया ना, ये शादी 100% रजामंदी से हुई है? हाँ बिल्कुल रजामंदी। आपके पास क्या प्रूफ है इस चीज के, शादी के? हाँ बिल्कुल है। ये नहीं। चलो तो फिर क्या हुआ, शादी होगी? शादी के बाद में बुढ़ी का लगी तू दानकी है, तू बुढ़ी से मेरे बेटो मतलब भाई छोटी उम्र को से ये है वो है, लोग हमने न्यू कहे तम तो बुढ़ी भूल गए, तम ये के लेके आए, मतलब इसकी सारी फैमिली फोटो है, देखनी चाहो तो आप देख सको। नहीं नहीं ये बताओ, आगे की बात बताओ, फोटो सेंड कर देना मेरे पास, सेंड कर देना। तो क्या हुआ, झगड़े होने लगे जी, बुढ़ी ने मेरे को घर से थप्पड़ थुप्पड़ मार के घर से निकाल दिया, मैं यहाँ दादरी आ गई वहाँ से पैदल, तो मेरा पति मेरे को लेना खतरा आया रास्ते में, तो मैंने बोले भाई घर वाले ने तो काट दिया मेरे को, भाई तू घर वाला का साथ रह, आजकल लुगाई की साइड तो कम हो लेकिन तू घर वाला का साथ में रहेगी। वो आपकी साइड था? वो मेरी साइड नहीं था, वो मेरे पीछे पीछे आया था, मेरे को लेके नहीं गया। शादी का फोटो होगी देख सको, ये शादी का फोटो, वो मेरे को लेके नहीं गया, वापसी चले गया। मैं दादरी आ गई, कोई भाण भाई ली थी मैं उसका दौरा चली गई, मैंने बोली बहन मेरे तय रहने खातर मतलब जगह दे दे, मेरे को कोई कमरों नहीं है। उन्होंने उससे पहले आके दोनों माँ बेटा लुकमा ये जो ये कौन सा थाना है सदर है ये कौन सा है इसमें उन्होंने दरखास्त दे दी मेरे खिलाफ। क्या लिखवाया उन्होंने? ये लिखाया बोली मारे घर से लड़ाई करके भाग गई। मैडम ने मेरे दरो फोन करे बोले भाई तू कहाँ है, मैंने कहा जी मैं यही हूँ दादरी, बोले की तमल जी कोई भाण भाई लिए मुझका दौरा हूँ, बोल तू जल्दी थाना में आ जा। मैं थाना गई, बोले भाई तेरी सासू ये बात कह रही है तू घर से लड़ाई करके बाद गई, ना जी ऐसी कोई बात को नहीं, बुढ़ी ने मेरे थप्पड़ मारे थे, इन्होंने मेरे तो हाथ पकड़ के गेट से बाहर निकाल दी, इसलिए मैं आ गई, इनने गेट बंद कर लिए दोनों माँ बेटा ने, मैं आ गई जी, तो इनने तो मेरे तक घर न पड़ने नहीं दी तो मैं कहीं तो जाऊँ, जनी बोले ताई तू मान जा, उस वीरवानी कोई भली थी वह पुलिस वाली उसने वह धमकाई वह मान गए मेरे तक ले गए। उसके बाद में बोले इसने रोटी मनानी को नहीं आवे, इसने सब्जी मनानी को नहीं आवे, या मोटी गणेश है मैं मेरे बेटा का मतलब सुतरी लाती छोटी उम्र की लाती या धनकी ले आयो या मतलब बेरो कौन के काया करती बूढ़ी बहुत सारी काया करती। कितने दिन पहले ही बात है ये, शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी हुई थी मेरी भाई
चौथे महीने में हुई थी शायद, इसी साल चौथे महीने में 2000।